नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूं तरुणा। आज मैं आप लोगों के साथ में लेडीज़ को होने वाली एक प्रॉब्लम की बात करूंगी, जिसका नाम है बार्थोलिन सिस्ट, जो मुझे काफ़ी बार हो चुकी है। सबसे पहले ये मुझे आज से 10 साल पहले हुई थी, जब मैं 25 इयर्स की थी। उस टाइम तो मुझे इस प्रॉब्लम के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं था, इंटरनेट वगैरह पे भी इतना ज़्यादा कुछ अवेलेबल नहीं था, या मुझे भी उतनी अकल नहीं थी कि मैं इंटरनेट पे कुछ सर्च करूँ। जब मुझे बार्थोलिन सिस्ट फर्स्ट टाइम हुआ तो मुझे उसका नाम भी नहीं पता था, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ये क्या है और क्यों हो रहा है। फिर मैंने अपने गायनकोलॉजिस्ट डॉक्टर को दिखाया तो उन्हें भी उसका नाम नहीं पता था। सरप्राइजिंगली वो गुवाहाटी के अंदर डॉक्टर थी, बट उनको नाम नहीं पता था और उन्होंने बोला कि ये नॉर्मल एक फुंसी है, और उनको बिल्कुल भी नहीं पता था कि ये बार्थोलिन सिस्ट है। कहते हैं कि कोई भी बीमारी जिसको होती है वही उसका दर्द समझ सकता है, लेकिन मैं ये बोलूँगी कि बार्थोलिन सिस्ट एक ऐसी बीमारी है जो हम चाहेंगे कि हमारे दुश्मन को भी कभी ना हो। इसके अंदर इतना एक्सट्रीम पेन होता है कि 3 दिन तक ना तो हम खड़े हो सकते हैं, ना हम कहीं चल सकते हैं, क्योंकि ये होता ही ऐसी जगह पे है कि हमें हमेशा डिस्कम्फर्ट लगा रहता है। अगर वॉशरूम जाओगे तो भी, चलोगे तो भी, बैठोगे तो भी, सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होता है कि बस लेटे रहो। और उसके अंदर भी ऐसा होता है कि एक पोजीशन के अंदर आप लेटे हो उसमें आपको आराम मिल रहा है। तो स्टार्टिंग के अंदर मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि इसको कैसे मैनेज करना है। मैं सिर्फ अपना 3 डेज बस लेटी रहती थी, और फिर 3 डेज के बाद में समहाउ बाय गॉड ग्रेस जो मेरी वो बार्थोलिन सिस्ट था वो बस्ट हो जाता था और उसमें से पस निकल जाती थी और मुझे इमिडिएटली आराम मिल जाता था। और फिर धीरे धीरे जब भी मुझे कंटिन्यूसली होने लगा तो मुझे बॉम्बे के अंदर एक ऐसी डॉक्टर मिली जिसको इसका नाम पता था। एटलीस्ट उन्होंने मुझे बताया कि जो आपको ये प्रॉब्लम है इसका नाम बार्थोलिन सिस्ट है, लेकिन उन्होंने बोला कि आपका बार्थोलिन सिस्ट बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो फिर आप इसकी सर्जरी मत करवाओ, मतलब आप रहने दो सर्जरी कराने को, अभी ये उतना बड़ा नहीं है, लेकिन हाँ ये आपको फ्रीक्वेंटली हो रहा है। और अब बिकॉज कि वो तो एलोपैथी वाले डॉक्टर हैं तो वो लोग ऐसा कुछ भी नहीं बोलते हैं कि इस खाने की वजह से हो रहा है या आपका पित्त बॉडी है इसलिए आपको हो रहा है, इस तरह का कुछ भी वो क्लेम नहीं करते हैं। और वो नॉर्मल बोलते हैं कि इसका कोई रीज़न नहीं है कि ये क्यों हो रहा है, ये किसी किसी को होता है और आप भी उनमें से एक हो, जस्ट एक सिंपल आंसर वो दे देते हैं। उसके बाद में मैं हैदराबाद शिफ्ट हुई, मुझे फिर से बार्थोलिन सिस्ट हुआ और मैंने सोचा कि मैं यहाँ के डॉक्टर को एक बार कंसल्ट करती हूँ। उन्होंने मुझे इमिडिएटली बोला कि आप सर्जरी कर लो। इस बार कोई बार्थोलिन सिस्ट का साइज़ उतना बड़ा नहीं था, लेकिन उन्होंने बोला कि आप सर्जरी करवाओ। फिर जब मैंने उनको बोला कि सर्जरी कराने के बाद तो गूगल में लिखा हुआ है कि फिर से हो जाएगा, तो उन्होंने बोला कि फिर आप गूगल को ही फॉलो कर लो, आप मेरे पास क्यों आए हो। लेकिन एज ए पेशेंट हम लोगों को लगता ही है कि अगर वहाँ पे लिखा है कि सर्जरी के बाद भी होगा तो फिर सर्जरी कराने का क्या पॉइंट है। लेकिन मुझे समझ में आया कि उनका मतलब ये था कि जो आप वो कट लगवा के उस पस को निकलवा लोगे तो उससे फिर शायद आपको 3 दिन 3 दिन का वो पेन नहीं सहन करना पड़ेगा, शायद वो मुझे ये कम्युनिकेट करना चाह रही थी, बट शी वॉज सो बिजी। तो उन्होंने बहुत ही रूडली बोला मुझे, और उस टाइम पे अपन उतने पेन में भी होते हैं कि कोई कुछ भी बोलता है तो बहुत बुरा लग जाता है, क्योंकि इतना एक्सट्रीम पेन हो रहा होता है जो कि जिसको होता है बस वही समझ सकता है। तो उसके बाद में मैंने पर्सनली ये ऑब्जर्व किया कि मुझे हरी मिर्च खाने से होता है, ये मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि मैंने बहुत सारे यूट्यूब के वीडियोस देखे। बार्थोलिन सिस्ट जब मुझे पता लगा कि जो मुझे प्रॉब्लम है उसका नाम बार्थोलिन सिस्ट है, तो मैंने यूट्यूब के वीडियोस देखे, मैंने आर्टिकल्स पढ़े गूगल पे, तो मुझे बहुत ही कम ऐसी लेडीज़ मिली जो इंडियन लेडीज़ हैं और जिन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया हुआ है, वो भी रिसेंटली कुछ ईयर्स में एक दो लेडीज़ ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया हुआ है। अदरवाइज उससे पहले फॉरेन के कुछ लेडीज़ थी जिन्होंने अपना एक्सपीरियंस एज ए आर्टिकल्स गूगल पे डाला हुआ था या फिर थोड़े बहुत यूट्यूब वीडियोस बनाए हुए थे, लेकिन कुछ डॉक्टर्स ने इसके बारे में यूट्यूब वीडियोस बनाए हुए हैं, लेकिन वो प्रॉपर मेडिसिन पे भेज देते हैं कि या तो एलोपैथी लो या होम्योपैथी लो या आयुर्वेदिक मेडिसिन लो। तो मैंने जब यूट्यूब के वीडियोज़ देखे तो मुझे समझ में आया कि इंडियन गर्ल्स को भी बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन वो इस बारे में बात नहीं करती हैं और अपना एक्सपीरियंस शेयर नहीं करती हैं। तो मैंने सोचा कि मैं उसको कैसे मैनेज करती हूँ 3 डेज को, ताकि मेरी जो लाइफ है वो नॉर्मल चलती रहे
और मैंने क्या प्रिकॉशंस लिए जिसके कारण वो मुझे दोबारा नहीं हुआ है काफ़ी मंथ से। अदरवाइज एक ऐसा टाइम था कि मुझे साल में 3 टाइम्स भी बार्थोलिन सिस्ट होता था। मैं आपको बता नहीं सकती कि वो कितना हॉरिबल था 3 डेज। और मुझे आइडिया लग जाता था कि तो हल्का हल्का सा पेन से कि अब ये होने वाला है, और मैं चाहती थी कि बस मैं किसी तरीके से उसे कंट्रोल कर लूँ कि वो ना हो, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं था। मेरे मेरे कंट्रोल करने से वो होता ही था। लेकिन अभी ऐसा है कि मुझे लास्ट 8 मंथ से बार्थोलिन सिस्ट नहीं हुआ है, और मैं चाहती थी कि मैं ये आप लोगों के साथ भी शेयर करूं कि अगर किसी लड़की को ये प्रॉब्लम है तो वो उसको 3 डेज बिना अपना काम रोके या इजीली कैसे उसको काट सकती है 3 डेज। देखो ऐसा तो नहीं है कि पेन बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन हाँ पेन मैनेज कर सकते हैं उतना ही है। तो मैं आपको पूरा बताती हूँ कि मैं क्या होम रेमेडीज उसमें यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे ये वीडियो बनाने का पर्पस ये भी था कि इंडियन गर्ल्स को पता लगे कि उन्हें कैसे मैनेज करना है, क्योंकि हम इंडियंस को ऐसा लगता ही है कि हम मेडिसिन्स ना लें या कुछ घरेलू उपचार करें हम, या फिर ये थोड़ी सी प्रॉब्लम भी ऐसी है कि लोग उतना ज़्यादा बात नहीं करते हैं या शेयर नहीं करते हैं। लेकिन आज के टाइम पे अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है तो उसे शेयर करना चाहिए, उसके सॉल्यूशंस निकालने चाहिए, उनको ऐसे बढ़ने नहीं देना चाहिए। तो मैं आपको पूरा बताती हूँ कि बार्थोलिन सिस्ट होता है तो कैसे मैनेज करते हैं। मेरे साथ हमेशा ऐसा हुआ है कि आज मुझे अगर होता है तो आज कल परसों, परसों रात तक या परसों इवनिंग तक मेरा सिस्ट बर्स्ट हो ही जाता है। और यकीन मानो मुझे जब भी होता है तो मुझे फर्स्ट डे से ऐसे लगता है पता नहीं इस बार बर्स्ट होगा कि नहीं, पता नहीं इस बार बर्स्ट होगा कि नहीं। वो एक फीलिंग आती रहती है, बट भगवान की कृपा से आज तक हमेशा 3rd डे वो बर्स्ट हो गया। और बर्स्ट होते ही तो पस निकल जाती है और इमिडिएटली आपको पूरा रिलीफ मिल जाता है। तो जो 1st डे होता है जब बार्थोलिन सिस्ट हो रहा है, उसके अंदर सबसे पहले थोड़े थोड़े टाइम के अंदर सिट्स बाथ लेने होते हैं। सिट्स बाथ के लिए मैंने ये मंगवाया था, ये जो हमारा टॉयलेट का जो पोर्ट होता है उसके ऊपर इसे रख दो, इसके ऊपर लिखा है कहाँ फ्रंट है और कहाँ पे बैक है। तो जो फ्रंट है वो उसको इसको ऐसे रख दो और इसके अंदर वार्म वाटर भरना होता है और इसके अंदर एप्सम सॉल्ट भी डाल सकते हो जो कि ऑप्शनल है। मैं कई बार डालती हूँ और कई बार नहीं डालती हूँ। जैसे कि अगर आज पूरे दिन के अंदर मुझे 4 टाइम्स बाथ लेना है तो उसमें से 2 टाइम्स डाल लेती हूँ, 2 टाइम्स नहीं डालती हूँ। थोड़ा सा इसके अंदर सॉल्ट डालती हूँ, वार्म वाटर डालती हूँ, उसके बाद में मैं इसको पॉट पे रखती हूँ और इसके ऊपर बैठ के इमिडिएटली आपको 5 to 10 मिनट्स इसके ऊपर बैठो, कुछ म्यूजिक चला लो साथ में सुन लो और 5 to 10 मिनट्स पर जरूर बैठना। 2 मिनट के अंदर बिल्कुल भी मत उठना, आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा जिसे मैं 3 डेज तक प्रॉपर फॉलो करती हूँ। और ये रहा बार्थोलिन सिस्ट के लिए एप्सम सॉल्ट। ये एप्सम सॉल्ट और ये वाला जो टब है ये दोनों ही मैंने अमेजोन से मंगवाए हैं। तो मैं पहले सिर्फ बात लेती हूँ, यानी कि मैं पूरे दिन के अंदर 3 से 4 बार मिनिमम सिर्फ बात लेती ही लेती हूँ, उसे बिल्कुल भी स्किप नहीं करती हूँ। उसके बाद में जैसे कि मैंने सिर्फ बात अभी लिया, उसको लेने के बाद में ये एप्पल साइडर विनेगर, आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हो, किसी की पब्लिसिटी की बात नहीं है, ये एप्पल साइडर विनेगर आप लो। और आप इसको एक कॉटन का पैड आता है ऐसे, ऐसे गोल 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 कॉटन के पैड आते हैं, अभी है नहीं मेरे पास में, उसके ऊपर थोड़ा सा इसको ऐसे डालो। कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा ऐसे जलन लगता है तो कहते हैं कि पानी में डाइल्यूट करो, मुझे नहीं लगता है। तो मैं उसको सीधा ऐसे थोड़ा सा डालती हूँ और फिर मैं उसको बार्थोलिन सिस्ट वाले एरिया के ऊपर ऐसे लगा देती हूँ। और उसके बाद में आप अपना जो भी आप पहनते हो अंडरवियर वो पहन लो। और अगर क्या है कि अगर आपको लगता है कि आपके पास में कुछ भी कॉटन पैड वगैरह नहीं है, तो फिर आप डायरेक्टली इसको थोड़ा सा फिंगर से सिस्ट पे लगाओ और उसके बाद में आप अपना रेगुलर जो पैड होता है गर्ल्स का वो लगा लो, और उसके बाद में आप अपने अंडर गार्मेंट्स पहन लो ताकि फिर जो आपके अंडरवियर्स वगैरह हैं वो गंदे नहीं हो। तो इस तरीके से आप इसे लगाओ। और इसके अंदर बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और एंटी फंगल प्रॉपर्टी होती है, जिसके कारण से जो सिस्ट होता है हमारा वो फैलता नहीं है इधर उधर, और उसके बस्ट के अंदर भी ये हेल्प करता है। तो ये 2 चीज़ें मैंने आपको बताई। उसके अलावा मैं 3rd चीज़ क्या करती हूँ कि मैं हल्दी वाला दूध पीती हूँ। हल्दी के अंदर बहुत ज़्यादा एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं,
तो हल्दी का दूध जो होता है वो घाव को भरने के अंदर काम में आता है, और एंटीबायोटिक्स जो हम लोगों को खाने को कभी डॉक्टर्स देते हैं तो वो सब तो नेचुरल टर्मरिक के अंदर होता ही है। तो मैं एक कप दूध जो होता है उसके अंदर सबसे पहले गैस के ऊपर आप हल्का सा घी डालो, थोड़ा सा उसके अंदर हल्दी डालो, फिर दूध डालो, उसको फिर पी लो। वो मैं रात को सोने से पहले जरूर पीती हूँ। उसके बाद में ये एक मेडिसिन है जो डॉक्टर ने मुझे दिया था, जो बॉम्बे की डॉक्टर को मेरी प्रॉब्लम समझ में आई थी बार्टोलिन सिस्ट की, उन्होंने मुझे दिया था। इसका नाम मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, और इसका नाम है लाइसर डी। ये उन डॉक्टर ने मुझे कहा था कि अगर तुमको पेन महसूस होता है तब तुमको लेनी है। और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं फर्स्ट 2 डेज बिल्कुल भी नहीं लूँ, और थर्ड डे तो जब पता है जब वो बर्स्ट होने वाला होता है उस टाइम पे अगर आप इसे लोगे भी ना तो भी कोई असर नहीं होता है। उस टाइम पे आपको वो पेन मेडिसिन लेने के बाद भी अगर आपको पेन हो रहा है तो आप ये समझ लो कि आपका बर्स्ट होने वाला है। तो स्टार्टिंग के 2 डेज अगर आप रेस्ट कर पा रहे हो तो फिर ठीक है, लेकिन अगर आप रेस्ट नहीं कर पा रहे हो, आपको कोई बहुत ही अर्जेंसी में कहीं जाना ही है, तो फिर ये मेडिसिन अगर आप लोगे तो आपको 8 घंटे तक दर्द नहीं होता है। मैं बिल्कुल कभी कभार लेती हूँ, कभी कभार नहीं भी लेती हूँ, ऐसे मुझे मैनेजेबल लगता है। सिर्स बात वगैरह से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाता है और मेरे पास में उतना टाइम होता है कि मैं रेस्ट कर सकूँ तो मैं ये मेडिसिन नहीं लेती हूँ, अदरवाइज मैं ले लेती हूँ। और थर्ड डे में जिस टाइम पे आपको बर्स्ट होने वाला है उस टाइम पे तो कोई भी मेडिसिन काम नहीं करती है। उस टाइम पे ऐसा होता है कि अगर आप कुछ मेडिसिन लोगे भी तो भी आपको पेन महसूस होगा ही, तो आप समझ लेना कि अब वो बर्स्ट होने वाला है। उसके अलावा मैंने ये भी मंगाया था, ये भी गर्म पानी इसके अंदर भरो और फिर यहाँ से गर्म पानी इसके अंदर भरते हैं और फिर इसको बंद कर देते हैं और बार्थोलिन सिस्ट वाले एरिया पे ऐसे ऐसे करके इसको सेक करते हैं। तो कई बार हम लोग जब बहुत ठंडा होता है या ठंड के इलाके में होते हैं तो बार बार सिर्स लेने बात लेने का मन नहीं करता है। जैसे हम अगर हम राजस्थान के अंदर हैं और बहुत ही ज़्यादा ठंडा है तो फिर मैं एक दो बार सिर्स बात ले लिया और एक दो बार इसको यूज़ कर लिया तो भी मैनेज हो जाता है। इससे भी फ़र्क पड़ता है, गर्माहट मिलती है उस एरिया को बेसिकली। और उसके अलावा तो जो रेगुलर फूड है मैं वही खाती हूँ। मुझे जब से बैथोलिन सिस्ट हो रही है स्टार्टिंग से तो मैंने बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट और भी चीज़ें ट्राई की थी, जैसे कि टर्मरिक हुआ कि मतलब उस एरिया के ऊपर टर्मरिक और कोकोनट दोनों को मिला के और फिर लगा लो, लेकिन इन सब से क्या हो रहा था कि उन सब से ना बहुत ज़्यादा गिचपिट सा हो रहा था वो एरिया। बार बार क्लीन करो सब करो तो फिर काफ़ी ज़्यादा डिस्कम्फर्ट हो रहा था। तो जो मैंने आपके साथ में अभी ये पूरा शेयर किया कि मैं 3 दिन तक कैसे करती हूँ क्या करती हूँ, तो बेसिकली मैंने आपके साथ में पूरा शेयर कर दिया है, मैं यही करती हूँ 3 दिन तक। और उसके अलावा मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे इस वीडियो से आप लोगों का हेल्प होगा, और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, किसी भी तरह से मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, ये मेरी खुद की पर्सनल आप बीती है कि मेरे साथ एक प्रॉब्लम हुई और मैंने उसे कैसे सॉल्व किया अपनी खुद की रिसर्च करके, यूट्यूब के वीडियोस देख के, कुछ कुछ आर्टिकल्स वगैरह पढ़ के, लोगों से बात बात करके। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है बिल्कुल। और बहुत बार ऐसा होता है कि आप लोगों के को ये मे बी फर्स्ट टाइम हुआ हो और आपको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता हो कि आपको इसको कैसे मैनेज करना है या कैसे आपको इसको 3 दिन निकालने हैं अच्छे से, तो मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपके काम आएगा। और अगर आपको पता है कि आपके फैमिली में या आपके किसी फ्रेंड को इस तरह का कुछ प्रॉब्लम है तो आप उसके साथ में ये मेरा वीडियो शेयर कर सकते हो, ताकि उन्हें समझ में आएगा कि वो अकेले नहीं है इस प्रॉब्लम को झेलने वाले। अगर आपको इसके रिलेटेड कुछ और पूछना है या कुछ ऐसा है जो मैंने मिस कर दिया है, या कई बार होता है कि हमारे कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो मुझे पता भी हैं लेकिन मुझे नहीं पता कि मुझे अभी आपको बताना था या नहीं बताना था, माइंड में नहीं आता है, तो फिर आप मुझे कमेंट कर सकते हो। अगर मुझे कुछ भी पता होगा तो मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। बैकग्राउंड म्यूज़िक के लिए सॉरी, शायद कुछ काम चल रहा है आसपास। तो मैं आप लोगों को ये बता रही थी कि अभी मुझे 8 महीने से नहीं हुआ है बार्थोलिन सिस्ट। तो मैंने क्या किया है ऐसा, तो मैंने बेसिकली मेरी मम्मा ने ऐसा बोला मुझे कि मेरी पित्त बॉडी है, या मेरी पित्त बॉडी मतलब मेरी गर्म बॉडी है, तो मुझे स्पाइसी फूड और गर्म फूड नहीं खाना चाहिए ज़्यादा। गर्म फूड मतलब कि
एकदम गर्मा गर्म बना हुआ का मतलब गर्म फूड नहीं होता। गर्म फूड का मतलब है कि ऐसा फूड जो शरीर के अंदर गर्मी लाता है। तो मम्मा ने बोला कि वैसा फूड तुम्हें नहीं खाना चाहिए, एंड स्पेशली हरी मिर्ची, क्योंकि मैं लाल मिर्च तो नहीं खाती, बट हाँ मैं सच बोलूंगी तो मैं हरी मिर्ची बहुत ज़्यादा खाती हूँ। तो मेरी मम्मा ने मुझे बोला कि तुम हरी मिर्ची को कंट्रोल करके देखो, और उन्होंने ये पैटर्न नोट किया कि मुझे हरी मिर्च खाने से होता है, क्योंकि मम्मा तो ब्लेसिंग्स होती हैं। तो उन्होंने फाइंड आउट कर लिया कि मुझे हरी मिर्ची खाने से ऐसा होता है। और फिर जब पहले तो मैं ऐसे बोलती थी, नहीं नहीं मम्मा ऐसा नहीं है, मेरे को बहुत पसंद है, आप ऐसी इसलिए आप ऐसा बोल रहे हो। लेकिन फिर मैंने भी जब नोटिस किया कि हाँ मतलब मैं छोंकी हुई हरी मिर्ची वगैरह जब खाती हूँ तो मुझे होता है बार्थोलिन सिस्ट। तो मे बी आपका भी कोई एक ऐसा पैटर्न हो कि वो किस चीज़ से ट्रिगर हो रहा है, या फिर अगर कोई भी एक ऐसा इंसान है जो ये बोले कि हाँ उसको भी हरी मिर्च खाने से होता है, तो मुझे थोड़ा सा सुकून मिलेगा कि हाँ शायद मैं सही डायरेक्शन में हूँ। बिकॉज कि डॉक्टर्स ने तो साफ बोल दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि हरी मिर्च खाने से होता है, ये सब तुम लोग पता नहीं कहाँ से लेके आते हो। तो पर लास्ट के 8 मंथ से जब से मैंने हरी मिर्ची को कंट्रोल किया है या बहुत ज़्यादा एक्सेस में नहीं खाई है, मुझे तो फर्क दिख रहा है। मुझे तो 8 महीने से नहीं हुआ है, और ये 11 साल के अंदर पहली बार ऐसे 8 महीने निकले हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम नहीं हुई है। इनफैक्ट मेरे फ्रेंड्स भी बोल रहे थे कि अभी बहुत टाइम से नहीं हुआ है। मतलब ये मेरे साथ में ये चीज़ इतनी कॉमन हो चुकी थी कि मेरे फ्रेंड्स को पता है कि अगर तरुणा बीमार है 3 डेज के लिए, शी इज़ नॉट अवेलेबल, तो इसको ये प्रॉब्लम हुई है। तो मैं तो ये बोलूँगी कि मुझे हरी मिर्ची से ट्रिगर होता था, और मैं उसे कैसे मैनेज करती थी वो मैंने शेयर किया, और अभी मुझे 8 महीने से नहीं हुआ है, तो मैं तो ये मानती हूँ कि वो हरी मिर्ची से ही होता होगा। अगर इस समय पे आपको बार्थोलिन सिस्ट है, तो मैं जानती हूँ कि आप क्या सुनना चाहते हो। आप सिर्फ यही सुनना चाहते हो कि टेंशन मत लो, आपका सिस्ट बर्स्ट हो जाएगा और आप ठीक हो जाओगे। मैं सिर्फ ये इसलिए नहीं कह रही हूँ क्योंकि आप सुनना चाहते हो, मैं आपको ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि 3 डेज के अंदर अगर इन होम रेमिडीज को फॉलो करके मेरा बार्थोलिन सिस्ट हर बार ठीक होता है, तो मुझे पूरी गारंटी है कि आपका भी ठीक होगा। चाहे अगर आपके में 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, या मैक्सिमम 4 दिन लगे, तो आप बिल्कुल टेंशन मत लो। आप अगर अभी भी पेन में हो तो जो मैंने बताया है वो सारा फॉलो करो, और आपका सिस्ट एकदम से बर्स्ट हो जाएगा और आप ठीक हो जाओगे। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, बाय। ये वीडियो उतना ज़्यादा परफेक्ट और प्रोफेशनल नहीं लगा होगा आपको, क्योंकि मुझे उतना ज़्यादा बोलना करना नहीं आता है, लेकिन हाँ मैंने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो सारी बिल्कुल सच है और मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो आई होप कि ये वीडियो आपके काम आएगा।